संभल जनपद के चंदौसी में अभिभावकों ने शहर के व्यस्तम फव्वारा चौक पर प्रदर्शन करके भैंस के सामने बीन बजाकर अपने गुस्से का इजहार किया तथा कल से फव्वारा चौक पर आमरण अनशन पर बैठने की घोषणा कर दी। उनका कहना है कि हम सब लोग पहले भी प्रशासन से मिलकर एसडीएम चंदौसी अमित कुमार को एक ज्ञापन सौंप चुके हैं, लेकिन प्रशासन ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की, जिस वजह से उन लोगों ने फव्वारा चौक पर आमरण अनशन करने का निर्णय लिया है। पिछले 3-4 महीने से निजी स्कूल संचालकों के खिलाफ और प्रशासन के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन इन तरफ को इनकी जू नहीं लग रही इनके सिर पर, और आज हमने बहस के आगे घूम जाई है और कल से हम 3-4 भाई अपने भूमि डाल पर बैठेंगे। विगत दिनों से शहर के चंदौसी नगर के सभी सामाजिक व व्यापारिक संगठन मिलकर सभी अभिभावकों के साथ कई दिनों से आंदोलन कर रहे हैं स्कूलों की मनमानी के खिलाफ। स्कूलों की मनमानी को लेकर हमने कई सारे ज्ञापन सभी सामाजिक और व्यापारिक संगठनों के द्वारा उच्च अधिकारी को दिए हैं, जिस संदर्भ में उप जिला अधिकारी महोदय ने मध्यस्थता करते हुए स्कूल प्रशासन के साथ हमारी सभा भी कराई थी, जिसको स्कूलों ने दरकिनार कर दिया और एसडीएम महोदय के आदेश की अवहेलना की है। आज ये आप जो काली भैंस देख रहे हैं, ये स्कूल प्रशासन के काले कानून के रूप में यहाँ पर है। हमारी कोई भी बात, कोई भी मांग और कोई भी आंदोलन का असर इन स्कूल प्रशासन के ऊपर नहीं पड़ा है, इसलिए हमने ये दिखाना चाहा है कि इस काले कानून के रूप में ये काली भैंस यहाँ पर खड़ी हुई है, तो उसके लिए हमने ये भैंस के आगे बीन बजाना जो पुराना मुहावरा है आप लोगों के सामने सिद्ध किया है। अगर इसके बावजूद भी ये स्कूल प्रशासन या उच्च अधिकारी हमारी मांग या नहीं मानते हैं किसी भी तरीके से, तो हम कल व्यापारिक संगठनों के अध्यक्षों जिसमें श्री मंतेश वासनी जी, अनुज कुमार अन्नू जी और मैं स्वयं गिरीश रतन, अन्य व्यापारियों और अभिभावकों के साथ इसी फव्वारा चौक पर आमरण अनशन के लिए बाध्य होंगे। कल सुबह 10 बजे से यहाँ पर बैठेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा मंतेश वासनी। अभी आपने जो भैंस के आगे बीन बजाई है, ये क्या है पूरा मामला? ये हमारा कई लगभग 15-20 दिनों से हमारा आंदोलन चल रहा है स्कूल प्रशासन की मनमानी पर। अभी तक जो पिछले दिनों एसडीएम महोदय के कार्यालय में स्कूल प्रशासन और हम लोगों के बीच में मध्यस्थता बनी समझौता हुआ था, उसको भी उन्होंने दरकिनार कर दिया है। इसलिए आज हमने ऐसा महसूस किया है कि जैसे हम लोग भैंस के आगे बीन बजा रहे हैं, ये प्रशासन को एहसास कराने के लिए हमने ये प्रोग्राम किया है कि प्रशासन लगता है कि भैंस के समान हो, और उन्हें एहसास दिलाने के लिए आज हमने एक भैंस बांधकर और उसको जो है बाजा बजाया है, जिससे उनकी आंखें खुलें कि उनकी नींद खुले। कहीं कल के लिए जो 21 तारीख का हमने अल्टीमेटम दिया है, उसमें मैं, मंतेश वासनी, गिरीश रतन जी और अनु जन्नू और सागर गुप्ता अमर अनशन पर बैठेंगे फव्वारा चौक पर, अगर आज भी उन्होंने आग नहीं खोली। काफ़ी दिनों से हमारे अभिभावकों के लिए अभिभावकों के साथ में शोषण हो रहा है, उसको लेकर हम व्यापारी संगठन और अभिभावक मंच के लोग आज भी प्रदर्शन कर रहे हैं। हमें आश्वस्त किया गया, शासन आदेश भी दिया गया स्कूलों के खिलाफ उन्होंने दिया था, लेकिन उसके खिलाफ आज तक उन्होंने हमारी कोई कार्रवाई नहीं करी, और जब तक ये हमारी मांगों को पूरा नहीं करेगा, हमारा प्रशासन और स्कूल प्रशासन अभिभावकों का शोषण बंद नहीं करा, जब तक हम ये कार्यक्रम करते रहेंगे, आंदोलन करते रहेंगे, और आज हमने भैंस के आगे बीन बजाकर अपना विरोध प्रकट किया।